तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है और हम लोग सीख रहे हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंतर्गत आने वाले एसाइड टैग और टाइम टैग के बारे में। ये दोनों टैग क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एसाइड टैग। सबसे पहले देख लीजिए एसाइड टैग ऐसे लिखा जाता है HTML के अंदर, एसाइड टैग, ठीक है। और इस तरीके बैक स्लैश लगाकर एसाइड क्लोज किया जाता है, एसाइड टैग और टाइम टैग के बारे में। अब टाइम टैग तो यार बहुत ही सरल टैग है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसको बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, एक लाइन का कोड होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, पर लिखा इस तरीके जाता है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। तो अब एसाइड टैग और टाइम टैग आपको पता सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, सिमेंटिक टैग्स हैं। अब ये सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको हेडर टैग की जो वीडियो थी, मैंने हेडर टैग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लस आपको मैंने डिटेल में चीज़ें कुछ दिखाई हैं, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे। हर वीडियो में मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो जो मेरे ओल्ड व्यूवर्स उनको लगेगा यार क्या बार बार पका रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कि एसाइड टैग और आपका जो कि टाइम टैग है वो कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज शो करता हूँ, तो आप ये देख लीजिए ये क्या है। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर हेडर होता है, बीच में सेक्शन, फिर आर्टिकल लिखे जाते हैं, नीचे फुटर होता है। तो एसाइड इसमें कहाँ पे है, तो एसाइड में यहाँ पे साइड में होता है, इस जगह पे, ठीक है। साइड में जो है ये एसाइड कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर आप गूगल से एड्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल एड्स कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप गूगल के एड्स लगा सकते हैं। आपके यूट्यूब जैसी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे अपने वीडियो का सजेशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब को जब डेस्कटॉप या लैपटॉप में चलाते हो तो साइड में वीडियो के सजेशन आते हैं, तो वो एसाइड ही होता है वो सेक्शन, ठीक है। या फिर आपके कोई ब्लॉग की आर्टिकल की वेबसाइट है तो उसके सजेशन दे सकते हैं, जो न्यू ब्लॉग आए हैं, न्यू आर्टिकल आए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसाइड जो होता है वो साइड का पार्ट होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए आते हैं। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वेब पेज डिजाइन करना होगा। अब यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं हुई है, आपके सामने सब चीज़ें करेंगे। तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए क्या है, कुछ हमको आर्टिकल, कुछ मतलब पैराग्राफ लिखना होगा, कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी और उसी में एसाइड भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग 1 इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलकम टू डूम कोडिंग। अब मैं अपने मतलब मान लीजिए जो मेरा चैनल है, तो चैनल रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेलकम टू डूम कोडिंग यहाँ पे इतना लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं और एक पैराग्राफ ओपन करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ ओपन करेंगे और यहाँ पैराग्राफ के अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हम हमारे चैनल के बारे में लिखेंगे, सब कुछ हम लोग ने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ये मैंने आप ही के लिए उसे लिखा है। कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे और ये पैराग्राफ में पेस्ट कर देंगे बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का दिखाएं तो ये देखिए हेडिंग आ रही है, उसके नीचे ये आ रहा है। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं थोड़ा बोल्ड करूँगा अच्छा दिखाने के लिए, तो उसके लिए बोल्ड टैग का यूज़ करूँगा। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। और चैनल पे आपको पूरा कोर्स सिखाया जा रहा है HTML का, अगर जो लोग नया है उनको पता नहीं होगा, पूरा कोर्स है विथ नोट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी कोर्स की भी और नोट्स की भी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल्ड टैग ओपन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ आना है और यहाँ पर बी बोल्ड टैग ओपन कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे बोल्ड टैग जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ तक का, तो यहाँ पे नीचे आके क्लोज होगा तो उसको वहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को क्लोज करना है बोर्ड टैग, ठीक है। तो बैक स्लैश लगा के क्लोज हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये सब चीज़ें तो यार छोटी छोटी, इनको आपको मालूम होगा कि स्टार्टिंग में ओपन होता है, लास्ट में क्लोज होता है कोई भी टैग हो। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए सो यार वेलकम टू डूम कोडिंग चैनल, डूम को धूम लिख दिया है, ये वो होता है जब मैं इसको ऑनलाइन मतलब लिख रहा था तो वो हो जाता है करेक्शन, तो उसको मैं सही कर देता हूँ, ओके। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं नीचे, इतना काम हो चुका है हमारा। अब हम लोगों को एक और पैराग्राफ ओपन करना होगा, उसको हम लोग एसाइड टैग में बंद करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं नीचे और अब हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ और ओपन करने वाले हैं जिसको हम लोग एसाइड टैग में बंद करेंगे। तो सबसे पहले एसाइड टैग ओपन करेंगे। अब ये जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा साइड में आएगा, एसाइड लिख रहे हैं ना इसलिए, और यहाँ पे बैक स्लैश लगाया ये एसाइड बंद हो गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ ओपन कर लेंगे, पी टैग
यहाँ से, ठीक। अब इसके बीच में हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है सब चीज़ें, यहाँ पे हमको कॉपी करनी, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखने में टाइम नहीं बिल्कुल भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का। और यहाँ पे वीडियो लंबी करने की हमें कोई चाहत नहीं है, जो आपका काम का हो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी मैं सब उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगा, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर लेना, यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है उसको आप देख लेना। अब ये जो नीचे आ रहा है ये एक पैराग्राफ में आ रहा है, ठीक है, और इसको एसाइड में बंद करेंगे तो हम लोग ने एसाइड बंद कर दिया। आप कहोगे भाई यार ये तो साइड में आना चाहिए क्योंकि ये एसाइड टैग में बंद है, ये एक सेकंड में इसको हटाता हूँ। ये जो है इसको हमने एसाइड टैग के अंदर बंद कर रखा है, तो इसको तो यार साइड में आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कुछ करके इस तरीके से, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा, तो वो अभी आएगा। डायरेक्ट एसाइड टैग से आपकी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी CSS भी लिखनी होती है, तो वो मैं CSS अभी आपको बता दूंगा, तब ये साइड में आएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं पेज को, फिर आगे सब काम करेंगे, ठीक है। अब फिर नीचे आते हैं, एक हेडिंग 2 ओपन करेंगे, कुछ चीज़ें और भी लिखनी है हमें यहाँ पे। हेडिंग 2 में हम लोग ने ओपन किया, अब यहाँ पे लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, देन यहाँ पे आएंगे एक पैराग्राफ ओपन करेंगे पी टैग के अंदर, और यहाँ पे पैराग्राफ ओपन किया, वेब डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हमने यहाँ पे लिख रखी है, सो उसको यहीं से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे नोटपैड के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिख लिया इस चीज़ को, ओके। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ से ओके क्लोज कर दिया, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे इतना आपको मैं दिखाऊँ तो इस तरीके आपका दिख रहा है। अभी ये क्या हो रहा है, पैराग्राफ लिखता चला जा रहा है, इसका कोई भी अभी कुछ समझ में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो स्ट्रक्चर अभी लास्ट में बनेगा इसको जब हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक और हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग 2 का यूज़ करेंगे, हेडिंग 1 का नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब आपको समझना ये कि हम लोग किस तरीके से SI टैग को वर्क कराएंगे, क्योंकि अभी तो SI टैग वर्क हो नहीं रहा है, तो SI टैग को किस तरीके वर्क कराया जाता है वो मेन चीज़ आपको समझनी है। ये सब तो आपको आता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, हेडिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको खास कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, पर मेन SI टैग जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको कैसे यूज़ करना है वो समझना होगा आपको। अब इतना हम लोगों को कर लिया, ठीक है। अब हम लोग रन करेंगे इसको, तो ये इस तरीके का देखिए एक फॉर्मेट आ रहा है। अब हम लोग को जो ये मान लीजिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट का थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से काटते हैं इसको, कहीं से भी काट देते हैं, इतना यहाँ से काटने के बाद नीचे से हटा देंगे इसको, काफ़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी चलेगा, ठीक है, इतना सही है। अब हम लोगों को ये जो ये है यहाँ का सेक्शन, इसको हम लोगों को यहाँ पे इधर लाना है एसाइड, और इसको डिजाइन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग देखते हैं, हेडिंग जो ये इधर लेफ्ट में आ रही है इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो थोड़ा सा पेज को डिजाइनिंग करना है, तो हम लोग ऊपर हेडिंग में जाएंगे और यहाँ इनलाइन CSS यूज़ करेंगे। इनलाइन क्या होता है, जो उसी लाइन में लिखी जाती है, उसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेंटर लिख दोगे सेंटर्स, ठीक है, तो ये आपका ये देखिए बीच में आ गया, ओके। अब ये काफ़ी पहले से थोड़ा सा सही दिख रहा है देखने में। अब ये वाले जो एसाइड को है इसको हमको करना होगा यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे एसाइड टैग में, और ये जो पैराग्राफ लिखा है एसाइड टैग का, इसमें हम लोगों को एक आईडी बनानी होगी। आईडी एंड क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये एक ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो HTML के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इसी पे सारी HTML वर्क करती है। तो चलिए यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं। आईडी हम लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस वो नाम लॉजिकल होना चाहिए, जिससे आप आगे कभी भी कोड को चेक करें तो समझ पाएं। मैं L1 नाम से बना लूँगा, आप किसी भी अपने नाम से भी बना सकते हो, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना हो चुका है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी style.css में आएंगे, हम लोग को CSS अप्लाई करनी होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने CSS को कनेक्ट करके रखा है लिंक टैग की मदद से यहाँ पे, ठीक है। style.css हम लोग ने लोकेशन भी दे रखी है। इतना तो आपको आता होगा कि CSS कैसे लिंक की जाती है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से कोड देख लें, एज इट इज कॉपी कर लें। अब आते हैं style.css पे, यहाँ पे हम लोग को CSS अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे आपकी, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो ये बीच में है, ठीक है, और एसाइड टैग यहाँ पे है, तो सबसे पहले एसाइड टैग को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ASID एसाइड, स्पेलिंग में गलती नहीं करनी हम लोगों को, एसाइड टैग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे विथ, सबसे पहले विथ हम लोग इसकी लेते हैं, तो विथ हम लोग 30 से 35 के बीच में आप रख सकते हो, मैं 35 रख के देख रहा हूँ, कम ज़्यादा होगा तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया,
अब पैडिंग जो यहाँ पे है लेफ्ट साइड की पैडिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अभी ये देखिए जो हो रहा है ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, अब इसको हम लोगों को ये राइट साइड में लेकर आना है इधर साइड में, तो वो चीज़ें अभी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, ये कितनी रख सकते हैं, 15 रखेंगे, 15 से ज़्यादा आप मत रखिएगा, वो 15 ही सही में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पिक्सल इतना हो गया है, पिक्सल पास में ही लिखेंगे पिक्सल, ठीक है। अब हम लोग को मार्जिन लेफ्ट रखनी होगी, ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो 15 पिक्सल ही रखनी होगी, दोनों 15 पिक्सल रहेंगे तब सही रहेगा। अब ये देखिए ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, अब उसको राइट साइड में लेके आना है, तो राइट साइड में कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वैल्यू लिखेंगे राइट, RIGHT राइट, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। अब ये देखिए राइट साइड में आ चुका है, ठीक है। अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अभी तक यार कोई वेब पेज खास नहीं लग रहा था, पर अब ये देखिए देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है पहले से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें को अच्छे से मेंटेन करेंगे। आप चाहें तो और CSS अप्लाई करके ये हेडिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, देन ये पैराग्राफ को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे भाई यार आप कुछ यार और भी करो इसमें, तो मैं कर रहा हूँ, उसको आप देखते जाएँ, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट राइट कर दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे करना है हम लोग को बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ठीक है, तो कितना दे सकते हैं, या फिर इसको पहले हाइफन लगाते हैं, कलर COLOR कितना क्या देना, कौन सा दे सकते हैं ये पूछना पड़ेगा यार। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे के देखते हैं, अच्छा लगेगा तो उसको रखते हैं, ठीक है, ब्लू BLUE ब्लू, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ने यहाँ पे देखिए पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने आराम से एक मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको हम लोगों ने ID दे दी L1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो जब ID को सिलेक्ट करना होता है CSS के अंदर, तो पहले हैश लगाते हैं, फिर ID का नाम लिखेंगे L1, ठीक है। तो अब ये सिलेक्ट हो गई, अब इसको इस तरीके कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कलर लिखेंगे, कलर में कौन सा लिख सकते हैं, रेड लिख दें, क्योंकि ब्लू के साथ रेड ही अच्छा लगेगा, है ना। और अब इसको रन करते हैं, अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा साइड टैग बन चुका है, ये साइड में सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं। इसी तरीके आप एड्स भी लगा सकते हो और सजेशंस भी लगा सकते हो। सजेशन लगाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि उसमें लॉजिक लगता है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। आप चाहें तो आप इन सब चीज़ों को भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि हेडिंग है और ये सब चीज़ें हैं, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी CSS और अप्लाई कर दी और ये और ज़्यादा अच्छा दिखने लगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको आया, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी सेक्शन टैग के ऊपर, ठीक है, तो मैंने इस सब चीज़ों को एक सेक्शन में बंद कर दिया और सेक्शन को एक क्लास से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लास का क्या नाम रखा, ऑल लैंग्वेज करके, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे और सेक्शन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, तो ये पूरा एक सेक्शन में आ जाता है। सेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कल की वीडियो देख लो, आपको कोर्स के ही अंदर मिल जाएगी, आपको जाना होगा कोर्स के अंदर, नीचे स्क्रॉल करना होगा, मिल जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने उस क्लास को सिलेक्ट किया, डॉट ऑल लैंग्वेज, मार्जिन सिलेक्ट कर दी, पैडिंग सिलेक्ट कर दी, और बैकग्राउंड कलर में मैंने लाइट ग्रे रख दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखिए इस तरीके का आ रहा है। अगर मैं लाइट ग्रे की बजाय येलो रख देता हूँ यहाँ पे करके येलो, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, तो अब देखिए अब ये येलो कलर का आ रहा। तो इस तरीके से आप अपने पेज को और ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हो। अभी चाहे तो इस हेडिंग को बढ़िया से डिज़ाइन कर दें, कलर दे दें, डिज़ाइन दे दें, और इसको फिर टेक्स्ट को भी और डिज़ाइन दे दें, इटैलिक वगैरह या फॉन्ट चेंज कर दें, तो ये काफ़ी अच्छा पेज दिखने में लग जाएगा। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो वैसे ही पेज ये दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा SI टैग काम करता है, किस तरीके से हमारी SI टैग के साथ CSS काम करती है। सबसे पहले आपको जो भी चीज़ लिखनी होती है उसको पर्टिकुलर आपको SI टैग में बंद करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे SI टैग ओपन किया और यहाँ पे SI टैग क्लोज किया, ठीक है, तो अब ये जितना आइटम है ये बंद हो चुका है SI टैग में, ठीक है। फिर उसको हम लोगों को CSS में जाना होता है, वहाँ पे SI टैग सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी देनी होती है, बैकग्राउंड कलर देना होता है, देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट को एक अपनी ID में सिलेक्ट कर सकते हो। ID में सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट का भी कलर आप चेंज कर सकते हो, और चाहो तो इसको बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड कर दोगे तो ये और अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए अब बताता हूँ टाइम टैग के बारे में। अब टाइम टैग क्या होता है, बेसिकली आपको मैं बता दूँ कि टाइम टैग जब आप कहीं पे भी टाइम लिखते हो, कहीं पे भी अपने कोडिंग के अंदर ब्राउज़र के अंदर शो कराने के लिए, तो उसको टाइम टैग के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ, एक थोड़ी सी मेरी बात को समझना, कि जैसे कि स्पेस में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और आज पेपर में न्यूज़ आ रही है या फिर न्यूज़ चैनल पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनाई जा रही है कि आज रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो हमारा चांद है, मून है, वो पिंक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। मैं एक एक्सेप्शन करता हूँ कि हाँ यार ठीक है, आज हमारा चांद
पिंक कलर का दिखाई देगा रात के 10 से 12 बजे तक। और ये चीज़ आपको एक ब्लॉग में लिखनी है, आर्टिकल में लिखनी है, और आप उसको पब्लिक करना चाहते हो कि मेरा आर्टिकल थोड़ा वायरल हो जाए, लोग उसको देखें और इस टॉपिक पे मैं भी बात करूं, तो कैसे करोगे? मान लीजिए आपने यहाँ पे पैराग्राफ ओपन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टुनाइट, सबसे पहले, ठीक है, टुनाइट द पिंक मून विल बी विजिबल, पिंक मून विल बी, आज मतलब हमारा गुलाबी चांद दिखाई देगा, तो ये चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे विजिबल। ओके, इतना हो गया। बिटवीन, अब हम लोग को यहाँ पे टाइम देना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग टाइम जो देंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ टाइम टैग ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देंगे 10 बजे से 12 बजे के बीच में दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 कॉलन ये, ठीक है, टाइम दे दिया। अब इसको क्लोज करेंगे पहले, ठीक है, फिर दूसरा आगे का टाइम लिखेंगे। तो बैक स्लैश लगाया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि 10 से 12 के बीच में, ठीक है, तो 2। फिर यहाँ पे जब 12 वाली टाइमिंग आएगी तो 12 की टाइमिंग लिखेंगे, तो उससे पहले हम लोगों को टाइम टैग ओपन करना होगा। और अब यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टाइम देते हैं, ठीक है। अब बैक स्लैश लगाया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। तो आप समझो टुनाइट द पिंक मून विल बी विजिबल बिटवीन 10 to 12, ठीक है, PM। अब ये समझो कि ये हम लोग यहाँ पर रन करेंगे तो कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये नीचे सिर्फ सिंपल सा पैराग्राफ जैसा ओपन हो रहा है। पर कहोगे भाई इसको तो हम लोग ने टाइम टैग के अंदर बंद किया तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, क्यों फर्क नहीं हुआ? तो फर्क ना होने का रीज़न बेसिकली यही है कि आप जो चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हो ये आपके ब्राउज़र को पता चलेगी ना को आपको पता चलेगी। अब जब भी कोई इस टॉपिक पे, मान लीजिए आज ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि यार आज पिंक मून दिखेगा, आज ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, कोई भी सर्च करता है कि क्या टाइमिंग है आज पिंक मून दिखने की, तो आपने टाइम मेंशन कर रखा है और क्राउन को पता है कि आपने इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रखा है और टाइम भी मेंशन किया अच्छे से, तो वो आपके आर्टिकल को, आपके पैराग्राफ को ऊपर टॉप रिजल्ट में शो कराएगा सर्च में। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं उसे हम लोगों को कुल मिला के ब्राउज़र को बताना होता है कि हमारी चीज़ को ब्राउज़र समझ पाए, और ब्राउज़र समझ गया तो वो लोगों को समझा देगा। तो इसीलिए जब हम लोग कहीं टाइम देते हैं तो उसको टाइम टैग के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे ब्राउज़र को पता होता है कि इन्होंने यहाँ टाइम मेंशन किया है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल टेक्स्ट समझ लेता है, पर जब टाइम टैग के अंदर बंद कर दोगे तो समझेगा कि हाँ इन्होंने इस चीज़ का टाइम मेंशन किया है, और तब चांस है कि अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ सर्च करता है तो हो सकता है कि आपका आर्टिकल पहले ऊपर आए, क्योंकि टाइम तो बहुत लोगों ने मेंशन किया होगा, पर ब्राउज़र को सबने नहीं बताया होगा कि यार टाइम मैंने मेंशन किया है, पर आपने ब्राउज़र को बताया हुआ है कि मैंने टाइम मेंशन किया है, तो ब्राउज़र तुरंत समझेगा हाँ यार इसमें टाइम है, और यही सर्च भी इंसान कर रहा है, यूज़र सर्च भी कर रहा है, तो आपके टाइम को शो कर देगा। अब अगर टाइम के साथ डेट भी आप देना चाहते होता है ना, कि मान लीजिए आज 23 सितंबर है तो आज के दिन हम लोग ये चीज़ होने वाली है, ये घटना, तो आपको डेट भी देनी होगी। तो हम लोगों को टाइम टैग के बीच में एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया। अब ये कोटेशन मार्क के अंदर सबसे पहले आपको डेट देनी है। डेट किस तरीके देनी है, मान लीजिए आज 2022 में सबसे पहले 2022 लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हाइपन लगाएंगे, और अब नवा महीना है, ठीक है, 2009, और यहाँ पे इसको आज 23 तारीख है, तो हम लोग 23 तारीख यहाँ पे लिख लेते हैं। देन आपको स्पेस लेना है, आप टाइम लिखना है, तो मान लीजिए 10 बजे से, ठीक है, तो कॉलन ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। टाइम सबसे पहले लिखना है टाइम टैग ऊपर इस जगह पे, आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, तो यहाँ से टाइम टैग, देन आपको डेट टाइम एट्रीब्यूट यूज़ करना है। डेट टाइम एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी, सबसे पहले आपका सन आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर यहाँ पर तारीख, दिन की तारीख आएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइम मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे ये पूरा डिटेल ब्राउज़र समझ गया है कि यहाँ पे डेट भी मेंशन है और टाइम भी मेंशन है इस लाइन की, तो अब वो तुरंत का तुरंत जैसे ही कोई बात होगी वो वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे इतना कर लिया, उसके बाद यहाँ पे भी आपको इस तरीके से लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देना होगा, ठीक है, जिससे पता तो चले कम से कम कि कितने बजे ये काम हो रहा है, क्योंकि वो तो आपने एट्रीब्यूट के अंदर दे दिया है तो वो शो तो होगा नहीं, यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए,
ये चीज़ आपको करनी होती है। आई होप आप समझ गए होगे कि टाइम टैग यूज़ कहाँ किया जाता है। वैसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। जब कभी कुछ ऐसी घटना होती है जो किसी समय या दिन से संबंधित या तारीख से संबंधित होती है, तब हम लोगों को उस समय को टाइम टैग के अंदर बंद कर देना होता है, जिससे ब्राउज़र उस चीज़ को समझ के जल्दी चीज़ों को रैंक करा देगा। आई होप आज की वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन किया मैंने, समझ में आया होगा। अब अपने छोटे भाई को प्लीज़ एक लाइक करके थोड़ा मोटिवेट कर दो। डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ, कहीं कुछ ना समझाए तो कमेंट में पूछा करो, आपका भाई आपको आंसर दे देगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।